हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.8 एक्सरसाइज। हमने इससे पहले 5.7 तक ख़त्म करा चुके हैं। पिछली वीडियो में सारे क्वेश्चन उसके हो चुके हैं, तो आज 5.8 में शुरुआत होगी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जिसे हिंदी में बोलते हैं मध्यमान प्रमेय, उसमें सबसे पहले आता है रोले की प्रमेय। रोले की प्रमेय होती क्या है, तो आप लोग अपनी किताबों में पढ़ोगे कि रोले के प्रमेय के बारे में दिया हुआ है कि माना, मान लीजिए कि वहां पर आपको दिया हुआ है संबंध अंतराल, विवृत अंतराल, वो आपको याद करने में भी दिक्कत होगी। संबंध अंतराल होता है जिसमें क्लोज्ड इंटरवल हो, मतलब बड़ा ब्रैकेट हो, बंद अंतराल, तो हम उसे बोलेंगे बंद अंतराल। और विवृत जहां लिखा हुआ है वहां हम बोलेंगे खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। तो रोले की प्रमेय देखिए क्या होती है, कोई फलन इस प्रकार से वक्र बना हुआ है, देखिएगा ये दोनों हाइटें बराबर है, फलन इस प्रकार है, किस किस के बीच में, ए से लेकर बी तक, और ये सतत है। फलन कैसा है, सतत हो, सतत किस पर हो, ए और बी खुले अंतराल पर सतत हो, ये कैसा हो, सतत, और दूसरा क्या हो, ये अवकलनीय हो, अवकलनीय किस किस के बीच में हो, ए और बी के बीच में। उसके बाद क्या है, एफ ए बराबर एफ बी, ये इस ए और बी बिंदु पर इस फलन के मान आपस में बराबर हो, तो क्या होता है, रोले की प्रमेय लागू होती है। और उसमें होगा क्या, एक बिंदु सी इस प्रकार से होगा कि जिस पर की स्पर्श रेखा खींची जाए वो एक्स अक्ष के समांतर हो, अर्थात उस बिंदु पर उसका अवकलन शून्य हो। अरे अवकलन क्या था, अवकलन प्रवणता होती है, और जब जीरो है, प्रवणता जीरो का मतलब एक्स अक्ष के समांतर, तो हम कैसे लिखेंगे कि एक फलन, फलन एफ एक्स इस प्रकार है, कि एफ एक्स, इससे अच्छा आप ये ले सकते हैं बंद अंतराल, बंद अंतराल, अंतराल ए कॉमा बी में इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर एक एफ एक्स ए कॉमा बी में सतत है, सतत है मतलब कंटिन्यूअस है, जो लगातार हो, कंटिन्यूअस आपको सिखा चुका हूं। दूसरा पॉइंट, एफ एक्स ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, या आप यहां पे लिख लो, एक चीज ऐसे लिखो, बंद अंतराल यहां पे लिख लेना, बंद अंतराल ए कॉमा बी में सतत है, यहां पे लिख लो खुले अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय है, नीय है। नंबर तीन अवकलनीय भी हो गया, ये भी हो गया, एफ ए बराबर एफ बी हो, मतलब ए और बी पर कैसा हो, फलन का मान बराबर हो, तो क्या होगा, एक बिंदु सी खुले अंतराल
a कॉमा b में इस प्रकार होगा कि f डैश c बराबर जीरो। तो क्या होगा, तो एक बिंदु c नहीं बिंदु दो बिंदु c खुले अंतराल a कॉमा b में इस प्रकार है कि f डैश c बराबर जीरो हो, तो रोले की प्रमेय लागू होती है। तो यह बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। देखिएगा इसमें यहां पर यह पॉइंट आ गया था a और b, ये पॉइंट था। अब आप मुझसे यह बात डिस्कस कर सकते हैं कि यहां पे खुला क्यों है, यहां पे बंद क्यों है। देखिए खुले और बंद का मतलब फिर समझिए, जब ये सतत है a से लेकर b तक तो इसमें ये a और b पॉइंट शामिल हैं, लेकिन अवकलनीय सिर्फ खुले में, खुले का मतलब है इस पर नहीं। क्यों, इस बिंदु पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ऐसे भी खींच जाएगी, ऐसे भी खींच जाएगी, तो ये बिंदु इस पर शामिल नहीं होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रवणताएं अलग अलग आएंगी तो वह अवकलनीय नहीं होता। इसलिए किस पर है, खुले पर। यह समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, आपको ऐसे ही याद करना है। इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल एक ले लिया कि हमारे पास ये रहा वक्र, एक ही हाइट, ए और बी पर फलन के मान बराबर है, तो इसकी स्पर्श रेखा एक यहां पर खिंच जाएगी, ये भी एक्स अक्ष के समांतर आएगी, यहां पर भी एक्स अक्ष के समांतर आएगी, ये दो पॉइंट पे हो गई। ए और बी के बीच में एक पॉइंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जिस पे कि उसकी प्रवणता शून्य हो रही हो। यहां दो पॉइंट हो गए, एक यहां पे हो गई, एक यहां पे। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हमने बनाया ये और ये बराबर हैं, लेकिन अब कहां का स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, इस बिंदु पर खींच सकते हैं, इस बिंदु पर सब प्रवणता एक सकते, ये समांतर आ रही है तो सबकी प्रवणता कितनी आएगी, जीरो। और ये सारे बिंदु देखिएगा आप, ये सारे बिंदु इसके और इसके बीच में हैं, यही बात यहां लिखी हुई है, सी खुले अंतराल ए कॉमा बी इनके बीच में इस प्रकार है कि उस पर उसकी प्रवणता कितनी है, जीरो है। इसी को रोले की प्रमेय कहते हैं। अब अगली बात चालू करते हैं, अगली बात चालू होती है लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय, वो इसी का एक्सटेंड है, इसी को आगे बढ़ाया गया है, जहां पे बात करते हैं। अब देखिए लैग्रांज प्रमेय क्या है, ये रोले का विस्तार है आगे। और अब है क्या, आपने रोले पढ़ी थी तो उसमें एफ ए बराबर एफ बी था, लेकिन इसमें क्या है, ये रहा, ये बिंदु और ये बिंदु बराबर नहीं है, ए और बी बिंदु अलग अलग हैं, उस बिंदु पर उस फलन के मान अलग अलग हैं। तो क्या करते हैं उसमें, लैग्रांज प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। क्या है लैग्रांज प्रमेय, यदि फलन कोई फलन एफ एक्स इस प्रकार है कि नंबर एक बंद अंतराल ए कॉमा बी में सतत है, लगातार तो है, कंटिन्यूअस तो है, फिर क्या है, नंबर दो खुले अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय है,
है, अवकलनीय भी है, तो फिर क्या होगा? तो कम से कम एक बिंदु सी, एक बिंदु सी क्या होगा जो बिलोंग कर रहा होगा ए कॉमा बी में, मतलब इन दोनों के बीच में, ए और बी पर नहीं, इन दोनों के बीच, कम से कम एक बिंदु, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक बिंदु सी पर एक क्या होगा एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। आपने कहा ये कहां से आ गया, यही तो आपके अवकलनीय का था, ये प्रवणता है ए बिंदु पर, ये ए बिंदु पर एफ ए है इसका मान, बी बिंदु पर एफ बी है, तो प्रवणता क्या होती है आपने पढ़ा है वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, और यही तो प्रवणता होती है उस बिंदु पर। प्रवणता किसके बराबर है, इस पर एक कोई बिंदु सी है ना, इसको इससे मिलाया, इसकी प्रवणता, और इस बिंदु सी पर यह प्रवणता आपस में कैसी है, बराबर है, तो यही लैग्रांज प्रमेय होती है। देखिएगा यदि ए और बी यदि बराबर हो जाएं, अभी जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो इसके मान क्या आएंगे आपस में, बराबर, यदि एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, मान बराबर आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, और जीरो हो जाए तो कौन सी प्रमेय हो गई, रोले की प्रमेय। तो ये रोले की प्रमेय का विस्तार रूप है, वहां पर एफ ए और एफ बी आपस में कैसे होते हैं, बराबर, ए और बी बराबर नहीं होते, एफ ए और एफ बी बराबर होते हैं। जब हमने ये ग्राफ बनाया था तो ये एफ ए और एफ बी बराबर थे, ए और बी तो अलग अलग थे, ए बिंदु ये था ए, एफ ए ये भी बी, एफ बी था, लेकिन ये एफ ए और एफ बी के मान बराबर थे, ये हाइटें बराबर थी, ठीक है। तो ये लैग्रांज प्रमेय है। अब इस पर क्वेश्चनों की बात करते हैं, देखिएगा यहां से आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, आपको फिर मैं समझा दे रहा हूं, ये ए ये है और बी ये है, ए और बी कभी बराबर नहीं होंगे, ए और बी तो डिफरेंस है, लेकिन रोले की प्रमेय में क्या था कि एफ ए और एफ बी ये हाइटें बराबर हो गई, इसकी कोटि बराबर हो गई, और लैग्रांज प्रमेय में क्या होती है, ये बराबर ना हो, तो एक बिंदु सी ऐसा होगा जिस पर इन दोनों बिंदुओं की प्रवणता, और उस बिंदु पर प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि बहुपदीय जो फलन होते हैं, बहुपदीय आपको मालूम होना चाहिए, बहुपदीय फलन कौन से होते हैं, ये पिछली क्लासों में आपको बताया गया होगा कि बहुपदीय फलन वह फलन होते हैं जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, वहाँ पर आपको बताया जाता है पांच भी बहुपदीय फलन है, जीरो भी एक बहुपदीय फलन है, एक्स भी बहुपदीय है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव भी बहुपदीय। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस फाइव ये भी कैसा है, ये भी बहुपदीय फलन है, क्योंकि रूट किसके ऊपर लगा, दो के ऊपर। यदि ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट एक्स प्लस फाइव ये बहुपदीय नहीं है, तो बहुपदीय आपको, तो बहुपदीय फलन क्या होते हैं, आपको डायरेक्ट लिखना होगा कि बहुपदीय फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होते हैं। साइन और कॉस जो होते हैं वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय है, डायरेक्ट लिखने होंगे क्वेश्चन में। और जब टेन आ जाएगा तो पाई बाय टू पे अनंत होता है, थ्री पाई बाय टू पे अनंत हो जाता है, इस पर ये सतत और सतत नहीं होता, ये बिंदुओं पर यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये अवकलनीय और सतत नहीं होते। लघुगुणकीय फलन जो होते हैं वो अपने डोमेन में, उसके जो डोमेन जहां से आता है उसका प्रांत होता है, उसमें वे क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय। और मॉड एक्स के बारे में पहले भी बात हुई थी आपसे कि मॉड एक्स अवकलनीय नहीं होता, सतत होता है। आप देखिए मॉड एक्स का ग्राफ ये था, पीछे खूब समझाया था मैंने, ये सतत है लेकिन जीरो पर ये अवकलनीय नहीं होगा,
क्यों नहीं अवकल नहीं होगा? क्योंकि इस पर यदि इसकी प्रवणता निकालेंगे हम, बढ़ा दिया, और इस बिंदु पर जीरो पर इसकी फिर प्रवणता निकाले, अलग अलग आएगी, और जब एक ही बिंदु पर दो प्रवणता आती है तो वह अवकलनीय नहीं होता। तो इसलिए मॉड एक्स जीरो पर अवकलनीय नहीं होता है। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है एफ एक्स बराबर, ये फलन दे रखा है माइनस चार से दो पर। अब देखिए ये बहुपदीय फलन है कि नहीं, ये बहुपदीय है, तो क्या लिखेंगे? दिया हुआ फलन, हुआ फलन बहुपदीय, बहुपदीय है, इसलिए फलन एफ एक्स सतत और अवकलनीय होगा। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद आप पहला सतत और अवकलनीय हो गया, इसके बाद आप चेक करते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं। ए ये रहा माइनस चार और बी ये रहा, तो आपने एफ माइनस फोर पे चेक करा, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस फोर माइनस एट। एफ माइनस चार पे कितनी आ गई वैल्यू, सोलह, माइनस आठ, और माइनस आठ जीरो आ गया। अब आपने दो पे चेक करा, एफ दो पर दो का वर्ग प्लस दो इंटू दो माइनस आठ, चार प्लस चार माइनस आठ जीरो। एफ माइनस चार बराबर एफ दो के है, तो क्या होगा? अब तीसरा स्टेप आएगा कि एफ डैश सी, तीन तीन शर्तें लागू हो गई, तीनों बातें पॉइंट जो थे सतत, अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी। अब आप सी एक ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जिस पर कि उसकी प्रवणता शून्य हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एफ डैश एक्स करेंगे हम। एफ डैश एक्स क्या होगा, टू एक्स प्लस टू, इसका डिफरेंशिएट करा टू एक्स प्लस टू। एफ डैश सी करा, क्या गया एफ डैश सी कितना गया, टू सी प्लस टू, और एफ डैश सी किसके बराबर लेंगे, जीरो के बराबर। तो एफ डैश सी टू सी प्लस दो बराबर जीरो, टू सी बराबर माइनस दो, सी बराबर माइनस एक। और माइनस एक देखो आप, क्या माइनस चार और दो के बीच में होता है कि नहीं होता, आता है। सी बिलोंग्स टू किसमें, माइनस चार से दो पर बिलोंग कर रहा है, अतः रोले की प्रमेय क्या होती है, लागू होती है। तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सत्यापित हो गई रोले की प्रमेय, तो लास्ट में आप एक नीचे लाइन लिख देंगे, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। यहां पर आप इससे यहां पर यह भी लिख सकते थे, ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, तीनों शर्तों को लागू कर रहा है, तो एक ये शर्त और लागू करनी थी जहां पे हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने सी की वैल्यू निकाली और सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, और इन दोनों के बीच में पॉइंट क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में ये पॉइंट पर प्रवणता कितनी है, जीरो है, और जब प्रवणता जीरो है तो इसका मतलब वो एक्स अक्ष के समांतर है, यही रोले की प्रमेय थी, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। देखिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, महत्तम पूर्णांक, और महत्तम पूर्णांक में यदि आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने वहां आपको समझाया था कि महत्तम पूर्णांक पर इन महत्तम पूर्णांक वाला जब क्वेश्चन होता है तो पूर्णांकों पर कभी वह सतत नहीं होता, क्या होता है, असतत होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दिया हुआ फलन, फलन एफ एक्स पूर्णांकों पर असतत होता है, होता है, अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी,
यही बात आपको यहां पे लिखनी है। ये भी क्या है, ये महत्तम पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांकों पर असतत होता है, और जब असतत होगा एक लाइन बस यही लाइन यहां उठा के यहां लिख देंगे जो कि त्यों। देखिए इसका तीसरा पार्ट, एफ एक्स जो है एक बहुपदीय फलन है, इसलिए एफ एक्स क्या होगा, एक कॉमा दो पर सतत तथा एक कॉमा दो, ये क्लोज्ड होता है ये ओपन होता है, एक कॉमा दो पर अवकलनीय है। अब हमें क्या निकालना है, दो शर्त हो गई जो पॉइंट वाइज लिखी थी, तीसरी एफ ए पे मान निकालना है और एफ बी पर, वो बराबर होने चाहिए तब रोले की प्रमेय लागू हो जाएगी। तो हमने एफ वन पर इसकी वैल्यू निकाली, एक का स्क्वायर माइनस एक जीरो आ गया, दो पर निकाली दो का स्क्वायर माइनस एक ये तीन आ गया, एफ एक बराबर नहीं है एफ तीन, अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। तो लिख लेंगे अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। क्वेश्चन देखिए अब, अगला क्वेश्चन कहता है तीसरा, एफ सच दैट माइनस पांच से पांच टेंस टू आर एक सतत फलन है, तो यदि एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं है तो सिद्ध कीजिए एफ माइनस पांच बराबर नहीं है एफ पांच। सतत फलन है, हमने माना क्या माना कि यदि एफ माइनस पांच बराबर एफ पांच के ले लिया, अब ये ले लिया ये कंडीशन ले ली, एफ ए बराबर एफ बी ले लिया, उसने सतत दे रखा है, सतत दे रखा है, तो तीसरी फिर क्या होना चाहिए, सी एक ऐसा बिंदु होना चाहिए तब सी एक बिंदु माइनस पांच कॉमा पांच में एक बिंदु होगा, जबकि एफ डैश सी बराबर कितना हो, जीरो हो, ये होना चाहिए तब सी एक बिंदु माइनस पांच कॉमा पांच में होगा कि एफ डैश सी बराबर कितना हो, जीरो। परंतु दिया क्या हुआ है, दिया है कि एफ डैश सी किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, परंतु दिया है कि एफ डैश सी बराबर जीरो नहीं है, और जब एफ डैश सी बराबर जीरो नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई ऐसा बिंदु है नहीं, तो एफ माइनस पांच बराबर नहीं होगा एफ पांच के। देखिए एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, जब बहुपदीय फलन है तो क्या होगा, एफ एक्स एक कॉमा चार में सतत तथा एक कॉमा चार में अवकलनीय होगा। इसका मतलब क्या है, लैग्रांज की प्रमेय लागू होती है, ये लिख लेंगे आप, लैग्रांज की प्रमेय लागू होती है, और जब लैग्रांज की प्रमेय लागू होती है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको ये लिखवाया गया था एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, यही रोले की करनी होती तो आप तीसरा स्टेप और करते, वहां पर तीसरा स्टेप क्या था, एफ ए बराबर एफ बी, यहां पर एफ ए बराबर एफ बी नहीं होगा, आप अलग से चेक करके देख लो। एफ वन पे लगा के देखो, मैं डायरेक्ट लगाता हूं, एक का स्क्वायर एक
चार एकम चार माइनस तीन माइनस के छह, और एफ चार पे लगा के देखो एक चार का स्क्वायर सोलह माइनस तीन, ये माइनस तीन है क्या बराबर है नहीं है। लैग्रांज प्रमेय में एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता, यदि आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। और जब ये आ गया तो अब एफ डैश सी आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स पे क्या होगा टू एक्स माइनस फोर। अब आप एफ ए की वैल्यू निकालो, ए पर कितनी वैल्यू है एक, और एक पर कितना मान आ रहा था एक पर लगाओ एक का स्क्वायर, मैंने लगा के दिखलाया एक पर आ रहा है माइनस छह, आप लगा के दिखलाना। एफ चार पर कितना आ रहा है वो भी मैंने माइनस तीन। अब एफ डैश सी भी निकाल लो आप, एफ डैश की टू सी माइनस फोर हो गया। अब इससे आगे क्या करेंगे, अब एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। एफ डैश सी का मान है टू सी माइनस फोर, एफ बी का मान है माइनस तीन, एफ ए का मान है माइनस छ, बी का मान है चार और ए का मान है एक। टू सी माइनस फोर माइनस माइनस प्लस, छ में से तीन गए तीन बटे तीन, और ये आ गया टू सी माइनस फोर बराबर एक, और सी बराबर आ गया पांच बटे चार। अब इस सी को देखो आप, क्या सी इसमें बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग कर रहा है एक, क्योंकि ये वन पॉइंट कुछ होगा और ये वन से ज्यादा है, तो सी किसमें बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग्स टू वन कॉमा फोर। तो अतः लैग्रांज की प्रमेय से सत्यापित हो गई। हां एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, इसलिए एफ एक्स ए क्या है एक कॉमा तीन में सतत तथा एक कॉमा तीन पर में अवकलनीय होगा, क्योंकि मैंने नोट में आपको लिखवाई थी ये बात कि बहुपदीय फलन सतत और अवकलनीय होते हैं, अतः लैग्रांज प्रमेय लागू होती है। क्या होती है लैग्रांज प्रमेय की शर्तें लागू हो गई। यदि आप चेक करें कि एफ वन पे वैल्यू और एफ तीन पे बराबर नहीं आएगी तो लैग्रांज की प्रमेय, अतः लैग्रांज की शर्त पूर्ण होती है, शर्त पूर्ण हो गई, शर्त है उसकी। अब शर्त जब पूर्ण हो गई तो आपने पढ़ रखा है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। इसके लिए पहले आपको एफ डैश सी निकालना पड़ेगा, आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पांच दुनी दस एक्स माइनस थ्री। अब एफ डैश सी करा आपने थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी माइनस थ्री। अब आपने ये लगा दिया एफ डैश सी बराबर एफ बी की वैल्यू कितनी है तीन, फलन का तीन पे मान चाहिए, माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है वन, वन पे चाहिए, बटे तीन माइनस एक। एफ डैश सी का मान थ्री सी स्क्वायर माइनस दस सी माइनस तीन, एफ तीन का मान यहां तीन लगा दीजिए, तीन का क्यूब माइनस पांच इंटू तीन का स्क्वायर माइनस तीन इंटू तीन। अब इसके बाद क्या आएगा माइनस, यहां ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, माइनस एक पे निकालना है, एक पे लाएंगे एक का क्यूब माइनस पांच इंटू एक का स्क्वायर और माइनस तीन इंटू एक बटे नीचे कितना आ गया दो, थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी माइनस थ्री, तीन का क्यूब सत्ताईस माइनस तीन तीन और पंजे पैंतालीस माइनस नौ, एक का क्यूब एक
माइनस पांच माइनस तीन बटे दो। अब देखिएगा 27 माइनस ये हो गए 54, माइनस एक में से 8 घटाओगे तो माइनस के 7 बटे दो, और 27 में से 54 गए माइनस के 27 प्लस 7 बटे दो, और ये 27 माइनस के प्लस के साथ माइनस के 20 दो का भाग करेंगे माइनस के 10। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। इससे आगे की बात करते हैं, यही उतार लेते हैं। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, 10 को इधर ले आए प्लस 10 बराबर 0। 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 बराबर 0। अब इसके आप फैक्टर करिए, इसके फैक्टर क्या होंगे, 7 3 21, 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 बराबर 0। सी कॉमन 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन 3c माइनस 7, 3c माइनस 7 और c माइनस 1 बराबर 0, c बराबर 7/3 और c बराबर 1। देखिएगा सी का मान 7/3 आ गया, 1 आ गया, और आपके पास क्या दे रखा था, 1,3। तो देखिए क्या सी का मान 7/3 है दिया, भाग करें तो 2 कुछ आएगा, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो सी बराबर 7/3 बिलोंग्स टू 1,3। अतः सी का मान कितना आ गया, 7/3। एक बिंदु ऐसा है, देखिएगा फिर अब ये लैग्रांज की प्रमेय लागू होती है, यहां आप लिख लेंगे। अब आपको इसमें आगे फिर दे रखा है, क्या कहता है कि एफ डैस सी बराबर 0 के लिए, एफ डैस सी बराबर 0 के लिए सी बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात करना है, वो सी बिंदु ज्ञात करना है। सी क्या बिलोंग कर रहा है, 1,3। एफ डैस सी कितना आया था, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर 0 आया था, आप पीछे देख लीजिएगा। अब इसको करना है, क्या इसके फैक्टर में 3 3 9 नहीं हो रहे, तो आप श्रीधराचार विधि से करेंगे। c बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बटे 2a। सी बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100, और ये प्लस का हो जाएगा, 4 3 12 3 36 बटे 6। आप जरा ध्यान दिए, सी बराबर 10 प्लस माइनस 136 हो गया, 2 2 4 और 4 का भाग करेंगे, 4 3 12 और 4 4 16, ये आ जाएगा 2 root 34 बटे 6। सी बराबर 5 प्लस माइनस रूट 34 बटे 3, 2 से काट दिया। अब यदि मैं पॉजिटिव लू, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये लगभग 6 के पास है, लगभग 6, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 6 5 11 और 3 का भाग करूंगा, 6 5 11 में जब 3 का भाग करूंगा 3 3 9, 3 से भी ज्यादा आने लगेगा, और जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा 5 में से लगभग 6 गए तो माइनस का 1 बचेगा, इसका मतलब संख्या किसमें आएगी, माइनस में आएगी, तो 1 से भी छोटी है, तो इन दोनों के बीच में क्या आया मान, इनके बीच में नहीं आया, अतः सी का कोई मान संभव नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन का ही ये पार्ट है, ये दूसरे क्वेश्चन में ही दिया गया, पढ़िएगा। 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है, लैग्रांज की प्रमेय लागू होती है कि नहीं होती, देखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं, महत्तम पूर्णांक, वो कभी भी किसी भी पूर्णांक पर सतत नहीं होते, वो क्या होते हैं, असतत होते हैं। इसलिए जब असतत हैं, शुरुआती कंडीशन ही लागू नहीं हो रही, तो लैग्रांज की प्रमेय लागू नहीं होगी। इसी प्रकार इसको भी बोल देंगे कि ये भी महत्तम पूर्णांक है, वही क्वेश्चन है, पूर्णांकों पर क्या होंगे, ये असतत होंगे, इसलिए ये भी लागू नहीं होगी। लेकिन यहां पर क्या है, तीसरा, इसमें भी लागू नहीं हो रही, इसमें भी लागू नहीं हो रही। अब तीसरा क्या कहता है, फलन कैसा है, फलन fx एक बहुपदीय फलन है, इसलिए fx
1.2 में सतत तथा 1.2 में अवकलनीय होगा। बिल्कुल बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, लैग्रांज की शर्तों को पूर्ण करता है। आप लिख लेंगे लैग्रांज की शर्तों को पूर्ण करता है, इसलिए हमें क्या निकालना है, और निकालेंगे एफ डैश सी। सबसे पहले इसका फंक्शन का डिफरेंशिएट करिए। जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x, तो एफ डैश सी कितना आएगा 2c। अब आप लाएंगे f, एक पे भी निकालेंगे वो, या फलन भी निकाल लेंगे, एफ डैश सी बराबर f कितने पर, 2 पर, b माइनस एफ 1/2 माइनस 1। एफ डैश सी का मान 2c, अब 2 पे इसका मान निकालिए, 2 का वर्ग माइनस 1 माइनस 1 का वर्ग माइनस 1/1। 2c बराबर 4 में से 1 गए 3, और c बराबर 3/2, और 3/2 कितना होता है 1.5, 1 और 2 के बीच में होगा, बिलोंग्स करता है 1.2। तो बस आप लास्ट में लिख देंगे अतः लैग्रांज की प्रमेय लागू होती है। यहां लिख लेंगे कि लैग्रांज की शर्तें लागू होती हैं, और यहां लिखेंगे लैग्रांज की प्रमेय लागू होती है। यहां क्या लागू होती है, शर्तें लागू होती है। तो ये एक्सरसाइज 5.8 बहुत अच्छी तरह कर लेंगे आप, आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत महसूस होगी, लेकिन आप अच्छी तरह एक दो बार करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।